नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के आर्थिक स्थिति पर मूडीज एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट भारत की उभरती स्थिति को दर्शाती है और चीन की धीमी होती प्रगति को सामने लाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है और भविष्य में भी उसके और सशक्त होने की संभावना है। दूसरी ओर चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही दिखाई दे रही है, जो उसके लिए बड़ी चिंता की कारण बनता जा रहा है। मूडीज एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.1 यानी 7.1% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पहले अनुमानित 6.8 यानी 6.8% से अधिक है। यही मूडीज है जो कि पहले 6.8% इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत इस रफ्तार से आगे विकास करेगा साल 2024 में। तब भी भारत के जो रिपोर्ट थे भारतीय आरबीआई के, उन्होंने 7.5% के आसपास का अंदाजा लगाया था। अब इन्होंने 6.8% को बदलकर 7.1% तक इन्होंने लाया है। देखना दोस्तों, ये कुछ दिन में ये खुद ही बदल के लगभग 7.5% तक ले जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी, जबकि 2026 में यह दर 6.66 तक पहुंचने की संभावना है। यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ वर्षों में लगातार अच्छी गति से विकास करेगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा। इसके विपरीत, इसका उल्टा, चीन की विकास दर में गिरावट देखी जा रही है। पहले जहां चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.9% होने की उम्मीद थी, वहीं अब यह घटकर 4.7% तक सीमित हो गई है। चीन की इस कमजोर विकास दर के पीछे उसके केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियों और आर्थिक उपायों की भूमिका का महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन की सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी ग्रोथ धीमी होती जा रही है। साल 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 थी, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से आर्थिक सुधार का प्रतीक थी। महामारी के कारण कई आर्थिक मंदी के बाद भारत ने खुद को तेजी से उभारा और विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि अब अगर करंट ईयर की बात करें, यानी कि साल 2024 की, तो यह वृद्धि दर थोड़ी धीमी होकर 7.1% रहने की संभावना है, ऐसा इन्होंने माना है। लेकिन यह फिर भी एक सकारात्मक संकेत है। इसके बाद 2025 और 26 में भी भारत की वृद्धि दर 6.5% और 7.5% तक रह सकती है, जो दर्शाता है कि देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मूडीज ने 2024 के लिए मुद्रा स्फीति दर को 5% से घटाकर 4.5% कर दिया है, जो कि भारतीय जनता के लिए राहत की खबर है। हाल ही के महीनों में भारत की मुद्रा स्फीति दर 4% से भी नीचे रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें नियंत्रित रह सकती हैं। इसके अलावा 2025-26 के लिए भी मुद्रास्फीति दर स्थिर रहने की उम्मीद है। इन वर्षों के मुद्रास्फीति क्रमशः 4.5% से लेकर के 4% के बीच रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में मुद्रास्फीति दर के 4.5% गिरने की उम्मीद जताई है, जिससे आर्थिक स्थिरता और बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने उम्मीद जता रही है कि वह अगली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि साल के अंत तक 25 आधार अंकों की कटौती हो सकती है। यह कदम देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए उठाया जा सकता है, जिससे व्यवसायों को और समर्थन मिलेगा। इसके विपरीत अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की है, यानी उन्होंने लगभग 50 आधार अंक और काटे हैं, कम किए हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट में, ताकि मंदी की चिंताओं को कम किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है और भारतीय रिजर्व बैंक की संभावित दर कटौती भी इसी दिशा में एक कदम हो सकता है, जिससे देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत की तुलना भी की गई है। 2025 में इस क्षेत्र की विकास दर 3.9% से बढ़कर 4% हो जाने की उम्मीद है, जबकि पूरे क्षेत्र में निर्यात एक प्रमुख आर्थिक कारक बनता जा रहा है, लेकिन इसकी वृद्धि स्थिर है। खास तौर पर चिप्स जैसी वस्तुओं की वैश्विक मांग में कमी आई है, जिससे निर्यात की गति प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही चीन की नीतियों के चलते अन्य देशों में संरक्षणवाद का उदय हो रहा है, जो आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती बन सकता है।
भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक निर्यात योजनाओं के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं 2024 में 3.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद कर रही है और भारत की वृद्धि दर इससे कहीं अधिक है, लगभग दुगने। यह इंगित करता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जबकि चीन अपनी धीमी होती अर्थव्यवस्था के कारण पीछे छूटता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में धीमी गति से हो रही गिरावट उसके लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक सुधार के लिए कई उपायों की घोषणा की है, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक ग्रोथ को स्थिर करने में सफलता नहीं मिल रही है। चीन में निर्यात और निवेश दोनों में कमी देखी जा रही है, जिससे उसके आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चीन की इस गिरावट के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जैसे उसकी आंतरिक नीतियों में सुधार की कमी, वैश्विक मांग में गिरावट और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव। इसके विपरीत भारत अपने निर्यात और आंतरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। चीन की ग्रोथ रेट 4.9% से घटकर 4.7% तक आ गई है, जबकि यह अभी पूरी सच्चाई नहीं है। यह 4% से भी नीचे है चीन की अभी ग्रोथ रेट, और यह संभावना है कि भविष्य में यह और भी नीचे जा सकती है। इस स्थिति में चीन को अपने आंतरिक नीतियों में सुधार लाने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सके। मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। 2024 में 7.1% की ग्रोथ रेट के साथ भारत न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी जगह मजबूत कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तेजी से वृद्धि के पीछे प्रमुख कारणों में से एक है उसकी आंतरिक बाजार की ताकत, बढ़ता निर्यात और स्थिर आर्थिक नीतियां। इसके अलावा भारत में मुद्रास्फीति दर में गिरावट और ब्याज दरों में संभावित कटौती भी इस देश के आर्थिक विकास को और प्रोत्साहित करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियां और सरकार की आर्थिक योजनाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इन सब का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो हम क्या पाते हैं, चलिए इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। मूडीज एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट भारत के लिए सकारात्मक संकेत है, जो दर्शाती है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भी इसका विकास जारी रहेगा। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट इसके लिए चेतावनी है, जो उसे अपनी नीतियों में सुधार करने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता बताती है। भारत की तेजी से होती वृद्धि उसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बना रही है, और यह संभावना कि आने वाले वर्षों में वह और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। वहीं चीन को अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सके और वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धा में बने रह सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।